भगवते वासुदेवाय। जो हरिंकर कथा हरिंकर दिव्य लीला जहाँ को श्रवण करले आम शेष समय पथ प्रदर्शक ही था। दुनिया रे सबु किछि मिछ आज्ञा, एकमात्र सत्य होउछि भाव भक्ति एवं रसामृत को पान करी शेष समय पर्यंत आमे मजी रहिबा, ए होउछि प्रकृत सत्य। मनीष जन्म नहींछि केवल कर्म करिब, कर्म भितरे प्रभु को भजन करिब, भावर सह भजन करिब, भक्तिर सह भजन करिब, हरिनाम को सदा सर्वदा अंतरे रखी कार्यरत हेब, ए होउछि मनीषर कर्तव्य। काहीकि ना तार कारण शेष समय रे गोविंद सारथी, शेष समय रे आउ के निजर हेबेनी, एकमात्र गोविंद ही निजर। जेतेबेले आमे जहाँ पाई आम पिला मानक पाई हो आम संसार पाई आमे सब समय तक बीतेई दे थांती, केतेबेले टिके धर्म कार्य करि पारंतिनी, केतेबेले टिके पुण्य अर्जन करि पारंतिनी, सदा सर्वदा परिवार रो मंगल कामना को चिंता करी करी दिन गुड़िक कटे ये हूँ केवल मोह। तेणु जेतेबेले आमर शेष समय हो जाए सेतेबेले आम पाखरे पुण्य न थाए, किसी धर्म कार्य आम करते कौन हम ना, जेतेबेले आम पड़ीजा बिछणारे पड़ीजा, आमर पाटी चालू न थिबो, हाथ चालू न थिबो, गोड़ चालू न थिबो, सेतेबेले आमको बहुत जोर शोष होउथिबो, आमे पानी टिके मागिबा पाई काहाकु हाथ ठारिबा पाई चेष्टा करिबा किंतु हाथ उठु नथिबो, काहाकु हाथ ठारिबा इच्छा होउथिबो टिके बड़ पाटी रे चिले कि कहि दियंती मते टिके शोष होलानी पानी दियो बोली, किंतु पाटी चालू नथिबो, सेतेबेले कौन करिबा। जेतेबेले इच्छा होउथिबो पानी माठिया पाखकु दौड़ी के जीवी आउ पानी ग्लास आनी पी पी देबी, सेतेबेले गोड़ चालू नथिबो, सेतेबेले कौन हबो, सेतेबेले किए निजर हबो ना, सेतेबेले समय रे केवल गोविंद सारथी गोविंद ही निजर हेबे, आमको पानी मुंदे देबे। जदि आमे ठीक भावरे भक्ति रे प्रभु को डाकुथुबा, प्रभु को भजन करुथुबा, खाली सेतिकि नुह, प्रभु को भजन कले जदि आमे अन्याय करुथुबा, अत्याचार करुथुबा, कहा मनरे दुख दौथुबा, कहा मनरे कष्ट दौथुबा, ताहले प्रभु केबे आम पाख को आसी पारिबेनी, जेते भजन कले मध्ये आसीबेनी। आमे भावंती जे आमे खाली चारि धाम को जाई पुण्य अर्जन कले से पुण्य हुए ना, जदि कहा मनरे दुख दौथुबा ताहले थरे खाली कहि दबा ताकु जे तो जीवन रे मो जीवन रे तते मु बहुत कष्ट देछि, तते मु बहुत दुख देछि, मते क्षमा करि दबु। कहा मन रे जदि कष्ट देइथिबा ता पाख को जाई कहिबा तते मु बहुत कष्ट देछि, तेनु मते टिके क्षमा करि दबु। कहा विपद बेले जदि आमे जाई छिडा हेइ पड़िबा, तु एते बड़ विपद रे पड़िछु, मो पाखरे अर्थ नाही सत, मु पैसा देइ पारुनी, मु धन देइ पारुनी, किंतु तो पाखरे छिडा हेबी, तो पाखरे रहीबु सब कार्यतर करदेवि। तेणु विपद बेलें जदि साहय करवा ताहले जाई शेष समय रे गोविंद सारथी हेबे, शेष समय रे सेही पुण्य तक प्रभु सेही समय रे आमको देबे, जेतेबेले आमर पाटी खोलु नथिबो, जेतेबेले आम पाद चालू नथिबो, जेतेबेले हाथ चालू नथिबो, सेतेबेले केही पुओ सुनिबेनी, कौ स्त्री सुनिबनी, केही डाक सुनि पारिबेनी, आपण जेते डाकुथिले मध्य केही आपणकर डाक को सुनि पारु नथिबे, केवल एकमात्र सुनुथिबे गोविंद। तेणु सदा सर्वदा गोविंदकर नाम को भजन करुथांतु, एही गोविंदकर नाम को भजन करी ए गोप नारी माने तरी जाइथिले, सदा सर्वदा गोविंद 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 दामोदर माधव माधव बोली भजन करुथिले। तेणु सेइति पई अतिबड़ी जगन्नाथ दास लेखिथिले ब्रजपुर नारी मानकर पयर धूली टिके जदि मुंडरे बाजी जामता ताहले
कोटि जन्मर पुण्य मिल जाता कोटि तीर्थर पुण्य मिल जाता तेणु से जो मानक दुख दे जो मानक कष्ट से मानक थरे खाली कही दिंतु जे जीवन में अनेक दुख देची अनेक कष्ट देची मो भूल वशत जदि तुमको किसी कष्ट मत क्षमा करदेव से कोटि जन्मर पुण्य फल मिल कोटि तीर्थर पुण्य फल मिल तेणु गोविंद कहते प्रभु कहते जमी मो सानिध्य लाभ करने जन्म जन्मर तपस्या करी आज गोप नारी माने जन्म जन्मर तपस्या करी आज पाई सेमिति आमे खाली ए जन्म नुह जन्म जन्म करी जिते जन्म नवा सेते जन्म पर्यंत केवल से प्रभुंकर नाम को ध्यान भजन करवा दुखी रखी को साहय करवा क्या दुख दबानी क्या कष्ट दबानी समस्त को भल पाइबा एति की कले प्रभुंकर प्रभुंकर सदा सर्वदा आशीर्वाद रहिबो तेणु ए हरिवंश गाथार सुंदर कथा एथिरे अभिव्यक्त करिसंती अच्युतानंद दास सुंदर भाव हरिवंश रे कहिसंती जे प्रभु को भजन कले कौन हबो प्रभु को भजन कले निश्चिंत जन्म जन्मर पातक क्षय हबो ग्रहरिष्ट खंडन हबो काल दूर हबो तेणु ए कलिजुगरे जदि आम केवल श्रवण करि परिबा आउ किछि नाही केवल जदि श्रवण करिबा ताहले जन्म जन्मर पातक क्षय करिबा श्रवण केमिति करिबा दरकार ना श्रवण करिबा जदि ताले परीक्षित महाराजा को भली श्रवण करिबा दरकार परीक्षित महाराजा जेमिति सात दिन भितरे अष्टादश पुराण को चर्बित चर्बण करि देले सेमिति सेमिति भाबरे सेमिति भाबरे परीक्षित भाबरे आमे श्रवण करिबा दरकार तेणु समस्त हरिवंश गाथा को श्रवण करूथांतु गत अध्याय आमे सुंदर कथा शुणुले प्रभु आज समस्त को डाकी समस्त को गोपी मान को डाकी प्रभुंकर सानिध्य पाइबा पाइ आज समस्त उपस्थित हो जाइछंती कौन है देखि करिया नंदित हेले बंशीधारी मुरली घेनी कदम वृक्ष रु उतुरी मुरली घेनी कदम वृक्ष रु उतुरी मुरली घेनी कदम वृक्ष रु उड़ुरी गोपींकर समीप रे प्रवेश होइले हास परिहासे तांको मन को मोहिले हास परिहासे तांको मन को मोहिले हास परिहासे तांको मन को मोहिले षोल शस्त्र नायिका को षोल शस्त्र मूर्ति धरी चित्तरं जाइले भावे जदुपति गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन आज कदम वृक्ष रु धीरे धीरे प्रभु ओल्लैले आउ तापरे सेतेबेले गोपी माने केते मायारे मोहित हो जाइछंती कृष्ण ओल्लैले जणे गोपिका को धोइले आउ ताकु नै कुंजवन भितर को चली गले आउ जणे कृष्ण ओल्लैले गोपिका को धोइले कुंजवन को चली गले तेणु आउ जणे कृष्ण ओल्लैले गोपिका को धोइले पुणी कुंजवन को चली गले एमिति केही जानी पारु नहांती समस्ते भावुछंती गोटिए कृष्ण षोल सहस्र गोपनारी माने भावुछंती गोटिए कृष्ण किंतु षोल सहस्र गोपी को षोल सहस्र कृष्ण समस्त गोटी गोटी करी जन जन करी प्रभु सांगरे धरी नहीं जाउछंती कुंजवन को जन जन को कोल करी कुंजवन को नहीं जाउछंती किंतु केही कहारी कथा जानी पारु नहांती केही कहार कथा जानी पारु नहांती समस्ते भावुछंती गोटिए कृष्ण आउ से केवल मोर समस्ते भावुछंती ए कृष्ण केवल मोर आउ मो छड़ा से आउ कहा को मध्य चाहती तेणु आज समस्त गोपिका चिंता करुछंती प्रभु कोल रही चिंता करुछंती एमिति भाग्य मोर केते जन्मर तपस्या करी आज प्रभुंकर सानिध्य लाभ करुछि आज अज्ञान हो जाइछंती गोपी माने केही जानी पारु नाती कोठी के आसीछंती घर छाड़ी नंदन छाड़ी पति छाड़ी समस्त को छाड़ी आज कुंजवन रे पहुँची जाइछंती तथापि जानी पारु नाती
ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପବାଳୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ବଂଶୀର ସ୍ୱନରେ କେବଳ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି। ଆହା, ସତରେ ମାୟାଧରଙ୍କର କେତେ ମାୟା, ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହରିବଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋପିକି କୋଳରେ ଧରି ଆଜି କୁଞ୍ଜବନରେ କେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ଆଜି କୁଞ୍ଜବନରେ ରାହାସ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ, ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଆଜି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିଯାଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କର, କନେଇଙ୍କ କୋଳରେ ରହି କନେଇଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ସଦାସର୍ବଦା ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି କୋଳରେ ଧରି ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲୁ, ଆଜି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ କୋଳମଣ୍ଡଳ କରିଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଭଳି କୃପା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଉ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହିଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଗୋପୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କେବଳ ମୋର। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏକର କଥା ଅପର ନାୟିକା ନ ଜାଣେ, ଏକ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସର୍ବେ ମଣିଛନ୍ତି ମନେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦେବାସୁର ଅଗୋଚର ଯାହାଙ୍କର ମାୟା, କାଉ ଜାଣିବେ ସେ କଥା ଧରି ନାରୀ କାୟା, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଜି କେହି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଷୋଳ ସହସ୍ର ଗୋପବାଳୀମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଞ୍ଜବନରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମୋର। ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ସରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀମାନେ ଏଥର ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେବ ଅସୁରମାନେ ସେ ମାୟାକୁ ଜାଣି ନପାରନ୍ତି। ଛାର ନାରୀମାନେ କେମିତି ବା ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମାୟାକୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହରି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେତେ ସୁହାଗ କରନ୍ତି ମୋ କନେଇ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୋଇମାନେ, ଏବଂ ନିଜ ଗୃହରେ ଯାଇ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଲଙ୍କରେ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାରେ ଏମିତି ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୁଞ୍ଜବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କାହା ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାହାସ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ଆଜି ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ହୋଇଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବାଳକ ମୂରତି ଧରି ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ, ଗୋପୀନାଥ ପରବେଶ ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ, ଗୋପୀନାଥ ପରବେଶ ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ,
पुत्र को देखी जशोदा नंदित मन कोल बसाई मुखे दियंती चुंबन कोल बसाई मुखे दियंती चुंबन कोल बसाई मुखे दियंती चुंबन खंड खीरी खीरी सादी गुटी का भुंजाई पलंक सुहाइले दोड़ी गीत गाई पलंक सुहाइले दोड़ी गीत गाई पलंक सुहाइले दोड़ी गीत गाई यही रूपे बार बार प्रभु गोपीनाथ रासलीला करंती से गोपी को सहित रासलीला करंती से गोपी को सहित रासलीला करंती से गोपी को सहित जननी पियर भाई न जानंती ता माया जाल पाती थांती प्रभु चौबा माया जाल पाती थांती प्रभु चौबा माया जाल पाती थांती प्रभु चौबा प्रभु प्रतिदिन राहस करंती आज परीक्षित पचारुछंती सुकमुनि की हे सुकमुनि मते कहि दियंतु जेतेबेले प्रभु जाउथिले निसार्द समय रे रात्रि समय रे कुंज वन रे केली करूथिले हेले माँ जशोदा जानी पारु नथिले केमिति कन्हई जेतेबेले जाउथिबे माँ जशोदा देखुथिबे ना माँ जशोदा जानी पारुथिबे ना तेणु आज सुकमुनि कहउछंती हे परीक्षित प्रभुंकर माया अपारु अपार कन्हई सोइछंती बलरामंक सह समस्ते देखुछंती नंद जशोदा आज समस्ते देखुछंती कन्हई सोइछंती किंतु षोल सहस्र गोपी कोल जमी षोल सहस्र कृष्ण थिले सेमिति माँ को पाखरे मध्यो मायार कृष्ण आज मायाधरंकर केते माया माया कृष्ण को सुहाई दे प्रतिदिन रात्रि रे कुंज वन को चली जाती कुंज वन रे से बाल रूप को छाड़ी जौवन रूप को धारण करती तेणु ये हूँ प्रभुंकर माया केवल भक्त मानक उद्धार करिबा पाई भक्त मानक उद्धार करिबा पाई प्रभु केवल ए माया जाल बिछेइछंती समस्त आखिरे अंध पुटली बंधा हो जाइछि जेमिति समस्ते आज मायारे मोहित हो जाइछंती तेणु सुंदर कथा प्रभुंकर ए दिव्य गाथा को आनंदर सहकारे भावर सह श्रवण करूथांतु काल दूर हो जीव जेते जेते विपद आसुची से विपद सब खंडन हो जीव तेणु ये हरिवंश गाथा को श्रवण करूथांतु आज परीक्षित पचारुछंती हे सुकमुनि एबे मते कहि दियंतु प्रभु तो गोपी मानक सहित राहस करूछंती आमे सुनुथिले जे प्रभु कंस को निधन कले कंस को निधन करी उग्रसेन को राजाभिषेक देले उग्रसेन को राजाभिषेक दे सारिबा परे आज राधाराणी राधाराणी को पाख को आज समस्त गोप बाळक माने फेरी आसी गोपपुर को आ राधाराणी पाखरे कृष्णकर कथा को वर्णना करुछंती राधाराणी से जमुना कूल बसी कन्हैंकर कथा को भावुछंती जेते जे डाकिले भी राधाराणी जाऊनाहंती से कुंजवन छाड़ी जाऊनाहंती काहेकिना एही कुंजवन रे ही मो कन्हैं की मु देखुची तेणु मते कोठी भी डाकना मु कुआडे जे भी जाई पारिबिनी तेणु राधाराणी से कुंज वन पाखरे जमुना नदी को चाही चाही रही जेते दूतिका बुझेले मध्य आसुना आँ कौन राधाराणी दूतिका को आूतिका कि भली भाव राधाराणी की बुझे ने गोपपुर भितर को मत टे बुझे कह दिंतु तेणु सुकमुनि कहते हे परीक्षित जितेबाला राधाराणी कहा कथा शुभुनी दूतिका कहते सखी चल फेरी जा गोपपुर को चल एमती आखिर लुह झरइले कन्हई कौन आसवे तेणु चल राधा कहते नाई जेपर्यंत मो कन्हई न आसी से पर्यंत यही कुंजवन निकटने मु बसी कदम वृक्ष पाखे बसीपर्यंत कन्हई न आसी से पर्यंत मु कड़े भी जापरि
आज सुकमुनि परीक्षित को कहते परीक्षित से गोपपुर सुंदर कथा गोटे जाणि प्रभु समस्त को उद्धार कर दूतिका कहते राधाराणी तुम्हें कौन जाण न से पूरा मायाधर से खाली आमपाई जन्म नहीं ना सारा संसार पाई सारा संसार पर कर्तव्य अच्छी कार्य अच्छी तेणु केवल निजर कृष्ण बोली भाव जदि ये सबुदिन देखापी चाहब ताले ए संसार लोक माने ए संसार जीवजगत माने केमिति बंचिबे तेणु तुम्हें कन्हई कथा भाविबा छाड़ी दियो कहीं प्रभु खाली तुमर नुह प्रभु ए संसार प्रभु ए संसार पर जन्म नहीं जानी छो से दिन वृंदावती कथा को शुणी छो वृंदावती केते भावुला केते चिंता करूला केते भक्ति करूला तुम्हें वृंदावती कथा टिके शुण मुझे जहाँ कहूँ तुम्हें भल भाव जाणी आउ टे मन दे शुण तेणु परीक्षित महाराज आज शुणुंत सुकमुनि ठारू से वृंदावती कहानी कौन कहते वृंदावती कहानी एक दिन करे कथा शुण परीक्षित पुणी मने विचारिले देव जगन्नाथ पुणी मने विचारिले देव जगन्नाथ पुणी मने विचारिले देव जगन्नाथ आज कुंज बने जीवा न जानिबे केई गोप युवती सर्वता थांती बाट चाही गोप युवती सर्वता थांती बाट चाही गोप युवती सर्वता थांती बाट चाही सुकमुनि कहउछन्ती हे परीक्षित दिने प्रभु चिंता कले आज टिके कुंजवन जीवी आउ कुंजवन रे समस्त गोपी मानकु उद्धार करिबी तेणु एक भाभी प्रभु तैयार हो गले जीवापाई कुंजवन को मोर पाई से माने तो एथे जन्मिले केते तपस्या करीण मो संग लभिले केते तपस्या करीण मो संग लभिले केते तपस्या करीण मो संग लभिले ताकर मनोरथ करिबा पूरण एते भाली कुंज बने गले कदिन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु आज कुंजवन को जीवी आ कुंजवन जाई आज गोपी मान को उद्धार करी से माने परा मो पाई जन्म नहीं छंती अनेक तपस्या करी जन्म नहीं छंती तेणु आज उद्धार करिबा पाई गोपी मान को उद्धार करिबा पाई प्रभु चिंता कले आउर कौन है सुंदर कथा जानिबा किंतु आज तो समय हो जाइछि बाणी के विराम दबा टिके प्रभु नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोपाल भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोपाल भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोपाल भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोपाल भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोपाल भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोपाल भज